गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। अभी जो भी लाइफ फीड चालू है सब पूरा स्टोरीज अब तक का बता देता हूँ आपको, जो आज के दिन तक का खत्म होने तक का जो भी अभी तक हुआ है उसका मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो कल से जो नाटक चालू हुआ है वीआईपी लोगों को खुश करने के चक्कर में, करण और प्रतीक दोनों वीआईपी को खुश करने के चक्कर में बैठे थे। यहाँ से ये प्लेट उठा के देना, खाना देना, ये देना वो देना, सब मेहमान नवाजी कर रहे थे लोग। और जबकि इनको पता भी है कि वीआईपी आके लोग ही बजा रहा है, लेकिन प्रतीक को तो इतना कुछ कोई कर नहीं रहा है, निशान को भी इतना कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो भी इन लोगों को पता है कि है कंपटीशन वीआईपी के साथ, तो भी वीआईपी के साथ मतलब जो मेहमान नवाजी लोग करें ना, तो उसको देखकर अब कहीं ना कहीं निशांत छिड़ गया है प्रतीक से, और निशांत और प्रतीक के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। इन लोगों का झगड़ा अभी साफ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा झगड़ा इन लोगों का हुआ है और दोनों बात नहीं कर रहे अभी बराबर। और वहीं पे इससे तेजस्वी भी प्रतीक को आके बोला कि जाके तू निशान से बात कर, थोड़ा एडवाइस दिया कि बात कर, मतलब ऑफकोर्स अभी प्रतीक का वही सहारा है, उसके अलावा कोई सहारा है नहीं निशांत के अलावा। फिर लाइफ फीड में हमको ये भी देखने मिला उमर या जो कल का एक टास्क हुआ है, जो कल के लाइफ फीड में जो एक टास्क हुआ है उमर रियाज और रितेश के बीच में जो फाइट, वो एक टास्क के इसमें फाइट हुआ है। और वो फाइट इसलिए हुआ कि डेवरीना ने उमर रियाज को एकदम गलत कर दिया, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि तुम अग्रेसिव हो, अग्रेसिव नहीं चलेगा करके डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके बीच बीच में रितेश के साथ थोड़ा झगड़ा भी हो गया है उमर का, और अच्छा खासा लंबा चौड़ा फाइट हुआ है, और उमर रियाज तो अभी एकदम सनका हुआ है। फिर वही हर वक्त का एक ही लोग का नाटक, सुबह सुबह उठो और खाने में झगड़ा, वो किचन में प्रतीक आ जाता है और रजीव से झगड़ा, रश्मि आ जाती है, मतलब लोग का खाने में लोग अभी जो भी वीआईपी है उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं, वो लोग खाने पे ही झगड़ रहे, सुबह सुबह उठा नहीं के डायरेक्ट खाने पे शुरू, क्या वही एक ही चीज़ दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा झगड़ा। फिर आज एक बिग बॉस एक टास्क दिया है, जबरदस्त वाला टास्क दिया है जिसमें मैच लगा है करण तेजस्वी और वैसेस राखी और जो जीजाजी आए उसका नाम क्या है रितेश, इन लोगों के बीच में एक टास्क रखा है, मतलब एक हॉकी मैच का ये रखा है, एक के पीठ में बैठ के हॉकी मैच खेलने का गोल पोस्ट रखा है, एक गोल मारो, वो टास्क देख के पता चला है कैसा है। तो ऐसा एक टास्क है जिसमें वन ऑन वन हो गया, लेकिन उसमें भी संचालक जो रखा है डेवरीना और शमिता, उसमें भी दोनों ने हक दिए डेवरीना ने, तो ये आपसे सहमति से कहीं गया नहीं टास्क, तो हुआ नहीं, मतलब कोई जीता नहीं, जिसके वजह से जो नॉन वीआईपी है उन्होंने बगावत कर दिया वीआईपी लोग के साथ। जाके जो भी लोग का सामान है, करण ने बोला चल जाके काम करते हैं, सामान वामान गायब कर देते हैं, जितना भी लोग वीआईपी के अंदर था, चिप्स बिप्स केक पीक जो भी खाने का आइटम था सब था, लेके लोगों ने छुपा दिया यहाँ वहाँ। ये वीआईपी वाले लोग क्या करते हैं, बाहर बैठ के छुगली उगली कर रहे थे, ये लोग अपना यहाँ पे गेम बजा रहे थे, जाके लोगों ने उठाया बिठाया सब छुपा विपा के रखा, कोई पलंग के नीचे, कोई बैठ कर खाया पलंग विलंग के नीचे, सब दबा दिया मस्त लोग। अभी तो कोई काम ही नहीं कर रहा, उमर रियाज तो राखी सावंत से भिड़ गया कि अभी तुमने मेरे को काम करके बता, तुम्हारा पर्सनल जो काम है ना वो कुछ नहीं करने वाला है, तुम लोग खुद ही करना पड़ेगा, और मेरे कप को या मेरे प्लेट को जो भी हाथ मतलब हाथ लगा उसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। उमर यार सनका गया अभी, और उमर प्रतीक के ऊपर भी चढ़ा है, क्या तू इन लोग का मेहमान नवाजी कर रहा है, जब से देखा तू छाट रहा है बैठ के, प्रतीक तो फुल छाट रहा है, फुल जहाँ मिल रहा है वहाँ जाके छाट रहा है, राखी का हो या किसका हो सबका जाके छाट रहा है, अभिजीत बिच्छू कलर का भी जाके चाट रहा है, मतलब एक राख प्रतीक का एक पैटर्न है, जो भी आता ना वाइल्ड कार्ड से अंदर तो इसका जल्दी घुल मिल जाता है, पता लगाता है बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, पर न्यूज़ लेने की कोशिश करता है बाहर क्या है, बाहर किसका है, बाहर किसका जलवा है, तो उसके अगेंस्ट में जाके फाइट करने का ये उसका एक पैटर्न है, वो वही चीज़ कर रहा है, न्यूज़ लेता है बाद में उससे झगड़ा करना शुरू करता ताकि मैं आगे दिखूँ, लेकिन बेटा तेरा पुराना खेल सब समझ गया, अब तू धीरे धीरे वैसे भी स्क्रीन से भी गायब हो रहा है, धीरे धीरे तू कब एलिमिनेट हो जाएगा वो पता नहीं, एलिमिनेट नहीं हुआ तो भी तू विनर नहीं बनने वाला है, सबको पता है ना, निशान बनेगा ना प्रतीक बनेगा ना शमिता बनेगा, विनर बनेगा तो सिर्फ तीन लोगों को चांस है,
उमर, करण, तेजस्वी, ये तीनों में से कोई ना कोई विनर बनेगा। ये मैं मेरे पिछले जितने भी वीडियो आप उठा के देख लो, मैंने यही लिखा है, ये तीन में से ही कोई बनेगा। OTTNS को यहाँ पे विनर नहीं बनाया जाएगा, टाइम श्योर नहीं बनाया जाएगा। प्रतीक तो बैग उठा के चला गया, अब इसको क्यों विनर बनाएंगे? सिंपल सा चीज़ है। और लाइव फीड में ये भी देखने मिला लाइव फीड में कि करण तेजस्वी से नाराज है। तेजस्वी को बोला कि तू और प्रतीक दोनों एक ही छट्टे बट्टे लोग हैं, क्योंकि तेजस्वी भी कहीं ना कहीं VIP लोगों को सपोर्ट कर, यार नहीं यार खाना देते नहीं यार, ये करते नहीं यार, वो करते ना ये करते, मतलब थोड़ा हल्की कहीं ना कहीं झुका हुआ है उसका, जिससे करण नाराज है। करण, निशांत और उमर और शमिता, इन लोग तो एकदम स्ट्रांग खड़े हैं भाई, VIP लोग को भजाना ही है। वही तेजस्वी दिख रही है बजाने के लिए, कहीं ना कहीं मतलब दिख रही है, कहीं ना कहीं एकदम ये है, तो जिससे वो करण थोड़ा नाराज है। आप लोगों को कल के एपिसोड में शायद से दिखेगा आप लोगों कि क्या हुआ है इन दोनों के बीच में। और इन लोगों ने जो हरकत किया है, जो इन लोगों ने सब कुछ छुपाया है, ये किया वो किया, पूरा बगावत कर दिया है, उसका बिग बॉस ने लताड़ा है, थोड़ा सुनाया भी ना है, जो भी तुमने जहाँ जहाँ छुपाना सब जाके तुमने घर के अंदर को वापस से जो जोन में VIP जोन में डाल दो, ये लोग को चेतावनी दिया है, ये आप लोगों को सब कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा। वही सबने तो देख लिया कि सब लोग लाइव फीड में वही देख रहे हैं, प्रतीक कितना चाट रहा है, प्रतीक कितना ये कर रहा है, सब लाइव फीड में। मैं जो भी इसका जो आ रहा था उसमें भी जो कमेंट्स का भी जो हो रहा था, जो ट्विटर में कमेंट्स जितने भी आ रहे हैं, सब में वही लिख रहा है कि प्रतीक चाट रहा है। आई थिंक प्रतीक को चेंज कर समझना पड़ेगा कि इतना नहीं होता है, कहीं ना कहीं सबसे मिलजुल के रहना वो भी एक गेम प्ले होता है, तभी तो आगे दिखा। इतना चाटते रहेगा तो कहाँ, कौन सी पब्लिक तेरे को पसंद करेगी यार? तेरे फैंस से वही पसंद करेंगे, उसके बाद फिर खत्म। तेरा वो जो 144 फैन भी रहेंगे, जो 144 में एंड, आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं एक तो नीचे उतरेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा भाई तेरे को। जैसे उमर रियाज का देख, ग्राफ हमेशा ऊपर ही जा रहा है, करण कुंद्रा का ऊपर जाके नीचे आया, अभी जाके कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है, तेजस्वी भी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, शमिता शमिता कॉन्स्टेंट जा रही है, ऐसा नहीं कि नीचे उतर रही है, कॉन्स्टेंट जा रही है, एक ही लाइन में उसका ग्राफ जा रही है, कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे आके वो कॉन्स्टेंट जाती है, मतलब वो लाइन में ही रहती है वो, तो वैसा खेलो तो भी बेटर है। ये चार्ट वीट के क्या कोई नहीं पसंद करेगा भाई। और वही देख लिया कि डबलिना जैसे ही बुरी तरह, मतलब उसको एकदम हार जैसे महसूस ही, डबलिना को चिढ़ गई एकदम, घर पूरा घर को सर पे उठा ली उससे, वो जो उसका आदत है वो सब नहीं करेगी तो फिर कहाँ से वो दिखने वाली है। 13 में भी वही की, 14 में भी वही की, 15 में भी आके वही कर रही है। डब्ल्यूएनए का कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है, उसको सुना जाएगा ना एक बार वैसी हो जाएगी, बाद में L44 L43 लेके चली जाएगी घर के बाहर कुछ नहीं है। चलो ये लाइव फीड में कोई अपडेट आएगा तो आपको जरूर बताऊंगा, स्टे ट्यून, धन्यवाद।